ही गाइस, वेरी गुड इवनिंग। हम आपके साथ यू वीज़ा कंसल्टेंसी से हमेशा की तरह। शायद हमारी खुशी देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि गुड न्यूज़ के बिना बिल्कुल हम नहीं आते हैं। गुड न्यूज़ लेकर ही आते हैं, न्यू अपडेट्स लेकर आते हैं। और न्यू जो भी गुड न्यूज़ आई हैं, उनसे पहले मैं आप सभी को दीपावली की हमारी तरफ से, बधाई यू वीज़ा कंसल्टेंसी की तरफ से, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और आप सभी अपने ज़िंदगी में तरक्की करो, खुश रहो, और अपनी फैमिली के साथ अच्छे से सेफ्टी के साथ दीपावली त्यौहार को मनाओ। और जो हमारे पास गुड न्यूज़ है अभी, वो क्रोशिया से रिलेटेड है। शायद आपको अंदाज़ा लग गया होगा, क्योंकि हमारे 6 क्लाइंट्स थे जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि शायद दिवाली से पहले उनको ये गुड न्यूज़ मिल जाए। और बिल्कुल धनतेरस के दिन हमें ये गुड न्यूज़ मिली थी। और जो 6 ऑफर लेटर हमारे क्लाइंट्स के आए हैं, किस फील्ड से है, किस फील्ड में जान गए हैं ये लोग, और किस में सिलेक्शन हुआ है, वो सब अनु मैम हमेशा की तरह डिस्क्राइब करेंगे आपके सामने। और उससे पहले एक चीज़ के लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया। क्योंकि जो पिछली हमने वीडियो डाली थी ना, उसमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स, और बहुत सारे जो हमारे क्लाइंट्स नए भी जुड़े हैं, उन्होंने देखा भी है, सुना भी है, तो बहुत खुशी महसूस हुई कि कुछ अपडेट हमने दी है, कुछ चीज़ें हमने अगर आपको बताई है तो आपने उस चीज़ को सुना है। और इवन जो सब्सक्राइब के लिए हमने रिक्वेस्ट की थी, वो भी किए हैं, बिल्कुल किए हैं। बट अभी फिर से मैं बोलूँगी, जो जिन्होंने भी नहीं किया है, और मैंने अभी देखा भी है उसमें डिटेल्स में, 59% कुछ अभी भी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सिर्फ देख रहे हैं। तो प्लीज़ डियर माई ऑल क्लाइंट्स, आप सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या अपडेट है, क्या क्या न्यू अपडेट्स है यूरोपियन कंट्री से रिलेटेड। तो मैं बोलती रहूँगी तो अनु मैम कब बोलिए। बिल्कुल अनु मैम आपको डिस्क्राइब करेंगे, मैं कंटिन्यू बीच में जो भी कुछ मुझे आएगा याद, मैं बिल्कुल आपके साथ बात करूँगी। और कंप्लेंट होगी तो कंप्लेंट भी करूँगी आप लोगों से, बट कंप्लेंट नहीं है, मेरे क्लाइंट्स बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। उस चीज़ के लिए थैंक यू सो मच, इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए पिछली वीडियो को। सबसे तो पहले मैंने मैम ने बोला है वैसे तो हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स किया एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन करने के लिए इसीलिए कहा जाता है ताकि आपको टाइमली वीडियोस मिले, अपडेट रहें आप बिल्कुल, मतलब जब भी वीडियोस आएँ तो आपको पता चलता रहे। और दूसरा, जो ऑफर लेटर्स आए हैं उनके बारे में मैं बता रही हूँ। कंस्ट्रक्शन लाइन के ये ऑफर लेटर्स हैं, मोस्टली कंस्ट्रक्शन लाइन के हैं, और क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पाते हैं, इंटरव्यू वगैरह देने में थोड़े से असमर्थ होते हैं या फिर हिचकिचाते हैं, आप ये बोल सकते हैं, हेजिटेट होते हैं, तो उनको हम कंस्ट्रक्शन की सलाह देते हैं ताकि आप बिना इंटरव्यू वगैरह के, बिना वीडियो वगैरह के इसके अंदर अप्लाई कर सको और आपका ऑफर लेटर भी आ जाए, वर्क परमिट भी आ जाए, सबमिशन हो जाए, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इन द बिटवीन द प्रोसेस। ये इसीलिए कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी सबको, क्योंकि इनको बहुत ही अच्छी सैलरी मिली है। 850 यूरो इनकी सैलरी रही है, अकोमोडेशन इनको दिया जा रहा है, अलाउंसेस भी इनको मिल रहे हैं, साथ ही साथ इनको जो मेडिकल की फैसिलिटीज़ है, अदर फैसिलिटीज़ है, वो भी मिल रही हैं। इवन ये जो ओवर टाइम वगैरह करेंगे तो उसमें भी इनको 30% से लेकर 50% तक जो एक्स्ट्रा है वो भी मिलेगी इनकम, ओवर टाइम जिसे बोल सकते हैं आप। और इसके साथ साथ 8 घंटे की ड्यूटी है, 4 घंटे का कम से कम ओवर टाइम मिलता ही मिलता है, तो ये भी उनके लिए खुशी की बात है। और कंस्ट्रक्शन लाइन का एक बेनिफिट और भी है कि इसके अंदर 4 यूरो पर टाइम, दिन में 3 टाइम खाना होता है, तो 4 यूरो 4 यूरो 4 करके 12 यूरो उनको मिलते हैं अलाउंस के रूप में, जो फूड अलाउंस होता है। क्योंकि काफ़ी बार अपने को भी पता है कि भाई सबका फूड सेम नहीं होता है, कुछ वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो ये इसी तरह से सबके लिए अलग अलग होती हैं चीज़ें, तो हर चीज़ को कंपनी भी अफोर्ड नहीं कर सकती है। इतना डिटेल्स आई थिंक ठीक है। बाकी सैलरी से भी ज़्यादा मिलती है, बट डिपेंड करता है वो आपकी पोस्ट के ऊपर, आपके काम के ऊपर, और आगे जाके अगर आप अच्छा काम करते हो तो सैलरी में इंक्रीमेंट्स भी होते हैं, प्रमोशन भी होता है। अब मैम कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि अनु मैम ने कंस्ट्रक्शन से अभी जो रिलेटेड जितनी भी ये क्या क्या मिलता है इनको, अलाउंस वगैरह क्या मिलता है, कितनी सैलरी है, और अभी भी एक्सप्लेन किया है, और ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं इन चीज़ों को पुरानी वीडियोज़ में, आप जाके देख सकते हो। बट ये मत सोचो किसी भी जॉब के लिए कि कंस्ट्रक्शन फील्ड की ऐसी जॉब है जिसमें ECR पासपोर्ट भी चल चल जाता है, और अगर आपके पास अच्छी इंग्लिश नहीं है फिर भी आप इसमें अपना सिलेक्शन करवा सकते हो, तो ये फील्ड बहुत अच्छी है। बट पता नहीं क्यों थोड़े वीडियोज़ के थ्रू बहुत सारे र्यूमर्स फैले हुए हैं कि इस फील्ड में प्रॉब्लम आती है, बहुत हैवी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, ऐसा कुछ नहीं है।
और अभी पर्टिकुलर मैं इस फील्ड से रिलेटेड अभी बताना भी नहीं चाहूँगी, क्योंकि स्पेशली हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं और फेस्टिवल का टाइम है, इतना टाइम भी नहीं है और कोई इतनी लंबी वीडियोस भी मैं भी ना देखे, तो इसलिए शॉर्टकट में ही सभी को, हमारे जितने क्लाइंट्स हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मैं एम्बेसी के डिसीजन से रिलेटेड, जो पहले 120 डेज लग रहे थे जो वीज़ा स्टैम्पिंग के लिए एम्बेसी में जाने के बाद, अब वो थोड़े से कम हो गए हैं, यूँ लगा लो कि उनका डिसीजन अब लगभग 75 to 90 डेज के अंदर ही आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस फास्ट हुआ है, तो उन सभी के लिए अच्छी न्यूज़ है जिनके सबमिशन हो चुके हैं और जो वीज़ा की वेट कर रहे हैं, क्योंकि एम्बेसी अब डिसीजन लेने में टाइम को रिड्यूस कर दिया है पहले के मुकाबले में, जो धीरे धीरे मे भी वैसे ही हो जाए जैसे पहले मैम वीज़ा आते थे 1 month के अंदर सबमिशन होते, 1 महीने के अंदर लगभग स्टैंपिंग होके आ जाती थी, तो वो धीरे धीरे अपने सेम प्रोसेस पे आएंगे, बट थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा था काम का इसलिए। और अभी एक ये उन सभी के लिए न्यूज़ थी मेरी तरफ से जिनका सबमिशन हो चुका है और वीज़ा का वेट कर रहे हैं। हमारे भी कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जो मैम सबमिशन करवा के आए हैं, मैं सबमिशन करवा के आई हूँ, तो उनके लिए भी अच्छी न्यूज़ है। और अभी मैम आगे एक चीज़ और बताएंगे TRC से रिलेटेड, जो थोड़ा एक र्यूमर फैला है उससे रिलेटेड मैम को भी 5-6 कॉल आ गई है सुबह से, तो वो भी मैम डिस्कस करेंगे। TRC के बारे में ये बोला जा रहा है कि भाई ये 2 साल की मिलनी स्टार्ट हो गई है, 3 साल की मिलनी स्टार्ट हो गई है, तो इसके लिए अभी जो फाइनल डिसीजन है वो नहीं आया है। इसके बारे में बोला जा रहा है कि भाई TRC को इंक्रीज करेंगे इसका टाइम जो पीरियड होता है, बट अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ, उन्होंने अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। अगर वो डिसाइड करते हैं तो हम आपको सबसे पहले अपडेट देंगे हमेशा की तरह। और आपको अभी अगर कुछ भी अपडेट और चाहिए, कोई क्वेश्चन हो आपका, कोई क्वेरी हो, किसी भी वैकेंसी है उसके बारे में जानने के लिए, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि वैकेंसीज़ काफ़ी सारी अवेलेबल हैं, कंस्ट्रक्शन के अंदर भी हैं, डिलीवरी बॉय की भी हैं, कुरियर बॉय की भी हैं, टैक्सी ड्राइवर की भी हैं, होटल लाइन की भी हैं, तो ऑलमोस्ट हर टाइप की वैकेंसीज अभी अवेलेबल हैं, तो आप उनके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। And once again, happy Diwali to all of you and congratulations to all of you. थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए। और जो 59% जो मेरे पास रिकॉर्ड मिला है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सिर्फ वो देख रहे हैं, तो उनको मैं स्पेशल रिक्वेस्ट डालूंगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और लेटेस्ट अपडेट को हमारे थ्रू लेते रहिए। एंड EU वीज़ा कंसल्टेंसी की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ और सभी मेरे क्लाइंट्स को कंग्रेचुलेशन और थैंक यू सो मच। अभी के लिए अलविदा, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।